हम बड़े घबरा गए और सांस ऐसे करे। ये देखिए वेरी नाइस, यहाँ पे अभी होने लगी है पिज्जा पार्टी। लो जी यहाँ पे पार्टी टाइम हो रहा है और ये हमारे घर के पास थोड़ा सा मौका मिले कदो कदी बदो बदी बदो बदी बदो बदी बदो बदी हाय हाय ओए होए हाय हाय ओए हाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह होते ही मेरे हाथ में आ चुकी है और इसने रात में बड़ा तंग किया, मतलब कि सो ही नहीं रही थी। इसका ना जो नाक है, छोटे छोटे से तो नाक के छेद हैं, वो मतलब कि सांस नहीं आ रहा था, बंद से हो गए थे। तो हम बड़े घबरा गए और सांस ऐसे कर ऐसे कर रही थी। तो बहुत सारी टेक्निक हमने अपनाई और उससे पहले हम वो लेके आ गए थे इसके लिए, जिस तरह बड़ों के लिए होता ना नाक खोलने के लिए, उस तरह बच्चों के लिए भी होता है। ये देखिए इसको डालने के लिए इसके नाक पे बड़ी मतलब की मेहनत की, तो डाला फिर इसको साइड करके जो जो कर सकते थे तो उस तरह इसको रिलैक्स किया, मगर फिर भी ये सो नहीं रही थी। तो फिर मैं एक डेढ़ घंटा इसको हाथ में लेके ऐसे ऐसे हिलाता रहा प्यार से, फिर नींद सी आ गई इसको, फिर रखा मैंने चुपके से, तो फिर ये कहीं सोई। और फिर भी रात को ऐसा लग रहा था उठ ना जाए, फिर पर अपने के सोते सोते नाक में डाला, नाक ब्लॉक सा हो गया था। तो ये एक बड़ी मुश्किल बात हो गई थी क्योंकि सांस नहीं आ रही थी, हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो ये हुआ रात को हमारे साथ, है ना बेटा, है ना। अब ये मजे से फीड करने के बाद यहाँ पे बैठी है कंधे पे। गुड मॉर्निंग प्रभ जी। गुड मॉर्निंग, कैसी जा रही हैं आपकी रातें? ठीक जा रही है, मजा आ रहा है। पता लग रहा है मदरहुड क्या होता है? हाँ जी, चलो गुड गुड, पता लगना चाहिए। अब हर जगह बेबी का ही सामान है। ये देखो ये बेबी का है, वो बेबी का है, ये बेबी के लिए गर्म पानी करने के लिए, ये बेबी के सभी जो उसके चीजें उनको साफ करने के लिए गर्म पानी डाल के है। और यहाँ भी बेबी बेबी बेबी, गोदी में भी बेबी बेबी बेबी, उधर भी बेबी 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 बेबी, ये गुब्बारे भी बेबी के लिए, ऊपर भी बेबी के लिए। बेबी बेबी होगी है घर में, ऐसे होता है न्यूबॉर्न है ना, फिर बेबी को टेंशन चाहिए होती है। बड़ी हो जाएगी थोड़ी, फिर धीरे 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 हो जाएगी अपनी लाइफ में। आज नोबिता थोड़ा नाराज है। नोबिता क्या हुआ? कह रहा मेरे को सबसे पहले घुमाते थे, आज उसको पकड़ रखा, सोच रहा कोई तो घुमाने जाए मेरे को। ये देखिए दोस्तों, जो कल दावड़ा बन रहा था वो बन गया है और परब की प्लेट में आ चुका है। लो जी परब जी, मोबाइल अब मत चलाओ, अब दावड़ा खाओ, दूध पियो। में से ये मेरा दूध है, ये परब का दूध है, ये मेरे बिस्किट है, ये इनका दावड़ा है, ये भी मेरा है, ये नहीं दूंगा मैं परब को। अब तो थोड़ा सा घूमने पे ही ना नोबिता की सांस फूल जाती है, ये देखो। है। सुबह के 9:35 हो रहे हैं, प्रभ और बेबी दोबारा सो गए हैं क्योंकि सारी रात तो जागे रहते हैं, अभी अभी इनको नींद आ जा रही है। अले स्माइल कर ली थी अभी, कितनी प्याली। नन्नू नाई करके आया है, नन्नू नाई करके आया है। और ये देखो यहाँ पे ये मालिश करवा ली है और इसकी मम्मी अपने सिर की चंपी करवा रही है, सुनीता भाभी लगे हुए है। हाँ नोबिता भी घूम रहा है, इतने सारे जीव एक कमरे में घूम रहे हैं। किधर जा रहा है, किधर जा रहा है? हाँ ये देखो म्यूजिक चला रखा है उसके लिए और साथ साथ मालिश हो रही है। हो देखे ना, आज मेरी बिटिया रानी को नानी अम्मा नहलाएंगे, तो नानी अम्मा जी का भी चाव पूरा होएगा। वो देखो कब से बोल रहे हैं आज ही नहला दे इसको, आज नहला दे इसको। आज 11वां दिन है बेबी को दुनिया में आए हुए, तो आज ही नहाएगी एग्जैक्ट। वैसे मैं आप सभी को बता दूं, कईयों को व्लॉग थोड़ा हमारा 2 दिन लेट आया था तो इसलिए सबको पता नहीं है। वैसे इसकी इंस्टा आईडी पे तो मैंने लिखा है, और हाँ इंस्टाग्राम आईडी इसकी ज़रूर फॉलो कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन पे सिर्फ इसकी आईडी लिखूंगा डिस्क्रिप्शन पर, उसको ज़रूर फॉलो करो, 10,000 फॉलोअर करवा दो इसके 1 मंथ होने से पहले पहले। तो अच्छा रहेगा, मेरी बिटिया रानी बड़ी होगी जब देखेगी समझ आएगी, अरे वाओ इतने फॉलोअर्स। इसका हाँ बर्थ हुआ है 25 तारीख को, 25 अप्रैल शाम के 7:10 पे, 11 मिनट पे, 7:11 पे एग्जैक्ट। और ये हमारी बिटिया रानी दुनिया में आई थी
और जब ये दुनिया में आई थी मैं अंदर ही था, मैंने देखा किस तरह ये बाहर आई और कैसे वाँ करने लगी थी बाहर आके, आते ही करने लगी थी ना। उस दिन ये दादी के स्टाइल में आई थी, आज ये नानी के स्टाइल में आएगी। चलो मैं नानी को दे रहा हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा, सॉरी थी सर्दी गर्दी सी थी हमने। आज नहाया जा रहा है नानी अम्मा के स्टाइल में, ये देखो। हम सो रहे थे, आपने सोने नहीं दिया। नौ ना मेरा बच्चा, मोए 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 हो गया था तुझे साथ। ये तो रोने से बाज ही नहीं आ रही है। ये सब नहीं होता कहती दुनिया में। दुनिया में आए हो तो नहाना ही पड़ेगा। आले ये देखो नए नए कपड़े पहने हैं बेबी ने और अपने बेड में सोने जा रही है हमारी परी। तो ये देखो पापा की परी और मैं माँ का मगरमच्छ। चलो उड़ाना नहीं है इसको कुछ है, आपको वो सेटिंग पसंद नहीं आई और इसको भी नहीं पसंद आई, अब ये रोने लगी है। मैचिंग मैचिंग की तौलिया ऊपर रखा जा रहा है उसके। बेड पे सेटिंग नहीं आई, पापा के कंधे पे सेटिंग आती है इसकी आजकल। हाँ अब ये फिर ये सो जाएगी, फिर मैं इसको चुपके से रख दूंगा। तो कैसा लग रहा है आपको, जो आपको कैसा फील होता है जब ये आपके कंधे पे ऐसे लेटी होती है? बहुत अच्छा लगता है, एक जिम्मेवारी का एहसास होता है। हैं देखो तो उस दिन जिस दिन गाड़ी चलाई तब से जिम्मेवारी का एहसास हो रहा है जब ये साथ में आई थी घर में। अब थोड़ा नजरिया भी बदल रहा है। जैसे कि खुल के बताइए थोड़ा सा। कोई सुंदर सी लड़की दिख जाती थी तो एक बार ध्यान तो जाता ही आदमी का, मर्द है। हाँ, तो अब ऐसा सा लग रहा है जब से ये आई है साथ में, तब से अब जैसे इसको उठाते हैं नहलाते हैं घुमाते हैं तो फिर अब देखता हूँ तो मेरे को लगता है ये भी किसी की बेटी होगी, कितनी बड़ी हो गई है। हमारी बेटी भी इतनी बड़ी हो गई। हाँ ये बड़ी हो गई है, ये हम कहते हैं हमारी बेटी क्यूट हो अच्छी हो तो ये क्यूट अच्छी को और लोग किस तरह देखते होंगे। हाँ। ना तो ऐसा सा मन में आने लग गया थोड़ा थोड़ा। वेलकम 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 सर, वेलकम तो मैं बोलूंगा ना, तुम क्यों वेलकम हो? अरे नहीं अरे कैसे हो? अरे अरे साहिल जी, अरे अरे वैभव जी कैसे हो? मस्त। उनके साथ प्लान नहीं बना? नहीं मैंने बात ही नहीं किया। क्यों बात क्यों नहीं किया? देखिए अविरल आया है हमारा बहुत ही प्यारा लड़का। बैठिए बैठिए और बैठो, शर्मा के रहे हो? बैठो बैठो बैठो। कैसे आए, कैसे ऑटो में? तेरे को इतना कैसे याद था कि यहीं जाना है? मैंने तुम्हें कैसे याद था? इसने बताया। और कैसी चल रही तुम्हारी थिएटर क्लासेस? बढ़िया चल रही है। सबको देखने आ गया हो कि कौन कौन आया है, तो मैं सभी से मिलवा देता हूँ। ये है वैभव। वैभव आप कहाँ से हो? मैं बिहार से आता हूँ, गया आता हूँ, बिलोंग करता हूँ। हाँ गया से, गया बहुत एक पवित्र जगह है गौतम बुद्ध जी की। और ये है अविरल, ये गाजियाबाद से आते हैं। अभी मेरी बहन भी गाजियाबाद से आई थी। अच्छा, और ये है हमारे शिवेश, और शिवेश ये ये कहाँ से है? बिहार से जी सर, झारखंड, सॉरी झारखंड से भी, बिहार से भी। हाँ, और ये है साहिल भाई, ये है साहिल भाई, ये भी बिहार से, समस्तीपुर से। तो ये लोग हमें मिलने स्पेशल आए हैं और मेरे को अचानक इन्होंने घर के पास आके पूछा गली कौन सी है, मेरे को बताया भी नहीं, हमारे हैं ये कर रहे हैं छापा ही लगा रहा है इन्होंने। चलो थैंक यू, आप सभी आए, मेरे को अच्छा लगा। आप क्या करने आए हो वैसे? सर आपसे मिलने का मन कर रहा था। अच्छा, मेरे से मिलने का, बिटिया को देखने आए हो?
तुम्हारे घर में भी बच्चे बुच्चे हैं, मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे हैं तुम्हारे घर में। सर वो कौन है, रिश्तेदार हैं क्या? चाचा के बच्चे हैं, बुआ के बच्चे, मतलब सब एक साथ ही रहते हैं। चलो बढ़िया। ये सबसे होनहार लड़का देखो, ये मैंने देख लिया था, मुझे इसको देख के हंसी आ रही थी जब ये वहाँ पे था ना। हाँ। वो खींच रहे थे पकड़ पकड़ के। हाँ। वो जब अच्छा व्लॉग में नहीं यार, सच में वहाँ पे स्टेज पे। अच्छा अच्छा अच्छा, का वो कह रहे थे ना आपके कुर्ते का नाप नहीं। अच्छा अच्छा, शुक्र है कुर्ता तो मिला ना। सही है। लाइट चलेगी तो कैसे भाई, आपकी तारीफ कर रहे थे, लाइट चलेगी? ये तो मेरे साथ हमेशा क्या, इनको डरा डरू के खुश हो गया। ये डरे हुए हैं, देख लो उससे, उस अविरल भी डर रहा था मगर अब नहीं। मगर ये देखो भाई साहब, नोबिता उठो, आंखें खोल के सो रहा है। ऐसे कौन सोता है? मस्ती में है वो। आ तो यहां बैठ जा। मस्ती में। बेबी कहां है? बेबी पापा के पास है। अरे गुड़िया रानी सोई हुई है, वो आ गई है। जब कोई मिलने आता सो जाती है ये। ये देखो हैगी रिसर्च। लो उठा लो। ये नहीं उठा लेगा, कैसे पकता ना कैसे उठाते हैं, गर्दन पे हाथ रखते हैं। हां अरे वाह अविरल, क्या बात है, कैसा ये कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अभी तो हाथों में तो इतनी सी लग रही है वो। इतनी सी ट्रॉफी है वो, इधर उधर नहीं है ट्रॉफी है, ट्रॉफी सुनते था उन्हें लपक ली। बड़ा क्यूट है, बड़ा क्यूट है, क्यूट है, क्यूट है। शिवांश देखना कैसे डरा हुआ है। नहीं सर, एक्सपीरियंस इस चीज को, ये इसको लेना चाहता हूं। अरे वाह, थैंक यू। वो देखो क्या लेके आए हैं, हारे के सहारे, श्याम बाबा जी का सहारा। अरे वाह, ये मम्मी को बहुत पसंद आएगा। अंदर से भी बहुत अच्छा, खोल के दिखाओ। मैं तो ऑलरेडी देख चुका हूँ ना, मैं सबको भी दिखा दें, बहुत प्यारा है। अरे ये देखिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। चलो नोबिता को भी दे दो कुछ भाई। यहाँ पे अभी होने लगी है पिज्जा पार्टी, लाइट गई हुई है। कैसा, ठीक है काम? ओके, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ओ अब ये सभी गाड़ी में बैठ गए। लगा ले सीट बेल्ट सर, सीट बेल्ट वो गाड़ी जब चल रहे होते तो सीट बेल्ट नहीं लगानी चाहिए। अरे नहीं लगानी चाहिए, लगानी चाहिए। हाँ तो बाकी ये सभी बैठे हैं, मैं इनको छोड़ने जा रहा हूँ। देखो जाते जाते फिर समोसे ले लिए हैं, अब समोसे खाए जा रहे हैं। मजे पूरे लिए। कैसा टेस्टी है? बहुत अच्छा। चलो गुड, फ्री का माल अच्छा ही होता है। क्या वैभव से पूछो तो बताएगा फ्री का माल कैसा होता है। सभी को छोड़ दिया है और सभी चले गए हैं। अच्छा लगा, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे घर आने का, उनसे मेरी ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, ये अचानक आ गए तब ये घर में आ गए। स्टूडेंट्स को छोड़कर घर आया तो देखा कि बिटिया रानी उठी हुई है। ये क्यों उठी भाई? इसको भूख लगी थी, पुप्पू आई थी। अच्छा, और ये देखो रिशु की मम्मी। ये देखो और कपड़े आ गए हैं घर में। देखो काफी के कपड़े लेके आई है। अच्छा, इतने कितने कपड़े पहनेगी हमारी बिटिया? ये थोड़ा बड़ी होके पहनेगी ना, एक साल की पहनेगी। चलो ये देखो क्यूट, बहुत बढ़िया है। अरे ये तो बहुत क्यूट है, छोटी सी, वेरी नाइस। ये अगले साल पहनेगी। थैंक यू जी। थैंक यू नहीं इसका, क्यों थैंक यू नहीं? क्योंकि हमारी भी बेटी है। ले इसकी तरफ से थैंक यू हम बोलेंगे, अब ये बोल नहीं सकती। जब ये ब्लॉग देखेगी फिर बोलेगी थैंक यू। नानी, ये छोटी नानी है, छोटी नानी है, ये छोटी नानी है। कल दामड़ा बना था, दामड़ा दामड़ा दामड़ा। तो बेबे ने ना दामड़े को दोबारा सेक लगा दिया है, तो अब ये इस रंग का हो गया है। तो बहुत कुछ चीजें इसमें पड़ी है, मैंने आपको कल के ब्लॉग में दिखाया था। हमारे दोपहर वाले स्टूडेंट्स गए तो उसके बाद ये वाले आ गए, देख लो।
ये मतलब कि आपस में इनका कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है, आपको पता लग रहा होगा कि आपस में बातचीत करके एक साथ आ जाए। नहीं, आपको डबल खुशी दे दी थी ना, पहले सुबह वाली फिर शाम वाली, फिर मैंने पहले जूनियर बैच में सीनियर सर आप लोग। अरे अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू डबली से लाए हो। अरे आते हुए पता नहीं चलता ना कि तो ये है फैजान, और ये कहाँ से है? यूपी मिर्जापुर। यूपी मिर्जापुर से है, मिर्जापुर जहाँ की वेब सीरीज है वहाँ से। और ये आदित्य भाई हैं, और ये है अनुराग जी। और ये आप भी कहाँ से हो? पटना बिहार। पटना बिहार से। अनुराग जी कहाँ से हैं? गोरखपुर यूपी। ओ गोरखपुर यूपी से। इस शो में है, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। और मैंने एक जो शॉर्ट फिल्म बनाई थी उसमें ये तीनों थे, और ये हेल्प बैकएंड में था। तो वो भी मैं जल्दी अपने अकाउंट में अपलोड करूंगा, और थोड़ा सा सेटलमेंट करके अगले सेमेस्टर जब मैं आने लगूंगा तब शुरू करूंगा, तब डालूंगा। जब हम लोग जा चुके होंगे। तुम जा रहे हो? पास आउट हो रहे हो? तुम सभी? अच्छा, देखते हैं स्कॉलरशिप मिल गई तो रुक जाएंगे। कौन कौन है बताओ आप? सर पार्टी नहीं दी है बट क्या पार्टी चाहिए बताओ? मैसेज दिखे थे नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलना, अच्छा ऐसे नहीं बोलना। अभी अभी जाते जाते तो मैं पार्टी कर देता हूँ, मैं जो खाने चाहोगे। बैग लाया था सर, सर ये बोला था फगवाड़ा में आपका रूम, तो मैं बैग लेके आया था। क्या था टाइम? सब्जी लेके फगवाड़ा कैसे होंगे? फगवाड़ा कहीं रुके होंगे? और मैं किसने बोला फगवाड़ा? फगवाड़ा मैं तो कब फगवाड़ा बात हुआ कभी? इसको यही नहीं पता फगवाड़ा कहाँ है। अभी भी यही किया हम लोग के साथ, वहाँ आधे रास्ते से कहता है, बस 2 मिनट का रास्ता है, वहाँ से पैदल चलते आ रहे थे मोड़ पे। ये आया पहले, पैदल आ रहे थे। मैं गाड़ी लेके आ रहा था यार, ट्रैक्टर पर लिफ्ट लिया था, वो ट्रैक्टर भी रोका हमको आधा किलोमीटर जाके और आगे। नहीं ये देखिए नन्नू का डॉन। वाओ कितनी प्यारी मिठाई लेके आए हैं मेरे भाई बंधु, थैंक यू सो मच। ये मेरी फेवरेट मिठाई है, पता है? जी दर्शन करवाओ सभी को। दर्शन अले उठी हुई है आज तो, अभी तो ये लक्की है। हाँ इनको जाके मिल रही है, उस समय सोई हुई थी। हेलो, दोपहर के टाइम जो मिलने आता है ना सब सोई होती है, नहीं सोई रहती है। अनुराग को ही घूर रही है ये देखो, पापा की तरह घूर रही है, और इसी तरह मेरी तरह हाथ रख के देख रही है। अच्छा ये लोग वो होता ना, वो बोलता है कि आपके हम आपके जो बच्चे होंगे तो वो मेरे फैन होंगे। आपकी बीवी और बेटी मेरी भैया देखना, एक दिन ना आपकी वाइफ और बेटी मेरे बहुत बड़े फैन होंगे। मैं भी ये ब्लॉग देख रहा है, मेहनत करो है ना, है ना? चलिए तारीफ कर दिया, मेहनत कर लो। चलो बताओ किस पे गई है? होश तो आप पर है, मिक्सअप पे ऑल लिप्स भी इन पे ही हैं, नाइस भी सर पर ही है, सर हम तो सर के साथ। यही सुनना चाहता था मैं। अरे सर आप ही बच्ची है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर आप ही बच्ची है। लो पकड़ो फैजान को, फैजान पकड़ो, पकड़ लोगे? हाँ सर। अपना बहन वाला टाइम याद आ रहा है। अच्छा तुम्हारी बहन कितनी छोटी है तुमसे? मैं से वो अभी 7th में। अच्छा अच्छा फिर तो देख, सबसे छोटी वाली। हाँ अरे एले सेम, मतलब मैं कितना होऊंगा 10th या मतलब 12-13 साल का हूँ मैं, तब तो छोटी सबसे बहन थी मैं ही था, एक सबसे ज्यादा मैं एक खिलाया उसको। तुम्हारे बैग में कोई कीमती सामान है? अरे नहीं, फगवाड़ा सोच के आया था सब्जी खरीदने। नहीं उतारा नहीं। क्या सोचा था? सब्जी ले आएंगे फगवाड़ा, सब्जी लेते हुए जाऊं मैं रूम पे। अच्छा 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 अच्छा, मैं भी हेल्थ कॉन्शियस हो गया सर आप। अच्छा अच्छा, मैं तो अब नहीं हूँ, अभी इस टाइम बिल्कुल भी नहीं हूँ। गर्दन पे रखना होता है ये जो चीज होती है ना। क्या है क्या है? मेरी भी अभी एक दीदी का नाम, अभी नाम रखना। हाँ
फिर उनका नाम रख दिया पता नहीं, नहीं सर नाम नहीं रखा है अभी शायद, अभी वो कुछ होता है सताइसा वतीसा हमारे तरफ, हमारे भी अभी नाम करना होगा सर, आप पर ही हैं सर हैं आप परियों से, चलो थैंक यू, थैंक यू, खुश देखिए सर जब भी मेरा नाम लेते हैं खुश हो जाती है, स्माइल क्यों छुपा रही हो, हेलो हेलो हाँ चलो नींद आने लगी उसको, बस सो गई बस इधर से उधर नहीं सर मैम मैं पहली बार इतने छोटे बच्चे को पकड़ा हूँ, मैं इतना छोटा है कभी पकड़ा नहीं एक्चुअली, वो कभी जय हिंद इंकलाब जिंदाबाद, बस एक किसी कुछ और भी नहीं हो, देखो एक आदमी था आपको करके दिखा रही थी, वो एक ही किसी विद्रोह साइमन डू बैग नहीं भारत माता की जय, तो अभी सब जा रहे हैं हम सभी जा रहे हैं बाहर पार्टी शार्टी करने, जो दिन में स्टूडेंट्स आए थे उनके लिए तो घर में इंतजाम कर लिया था, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर और हमारे साथ जा रहा है नन्नू, ये मौका मिले कदों कदी बदो बदी बदो बदी बदो बदी बदो बदी आए हाय ओए होए आए हाय ओए लो जी यहाँ पे पार्टी टाइम हो रहा है और ये हमारे घर के पास थोड़ा सा एक है, थैंक यू सर, एंजॉय एंजॉय, खाइए खाइए खाइए, नन्नू भी हमारे साथ आया है और बिना बताया हो, हाँ सीनियर वर्सेस जूनियर, अभी ना टाइम है थोड़ा शाम का, अभी बाहर आ सकते हैं, उस समय गर्मी बहुत ज्यादा थी तो फिर मैं घर में जो... अच्छा नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है सर, स्टार्टर के बाद वो वहाँ भी तो चलना है ना, हाँ हाँ चलना चलना चलना, आप ये एंजॉय करो, कैसा नन्नू टेस्टी है और खाएगा जान, तो कैसी रही पार्टी भाई, एक नंबर सर, बहुत बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सर, पार्टी तो बहुत अच्छी थी, फॉलो कर लीजिए, कैसे याद रखिए, फॉलो कर लीजिए सर, नन्नू कैसा रहा, बढ़िया दोस्तों, अपने स्टूडेंट्स को छोड़ने के बाद पार्टी करने के बाद नन्नू और मैं जा रहे हैं अब घर की तरफ, और बेटी की बहुत ज़्यादा याद आने लगी, थोड़े से टाइम में ही घर से बाहर आया हूँ, उसकी याद आ रही है, अब घर जाएंगे उससे खेलेंगे, ये देखो यहाँ पे हमारी गुड़िया सो रही है और ये लगी हुई है वीडियो कॉल पे, हेलो सत श्री अकाल, तुसी करे नहीं आए, सारी दुनिया करे आ गई, और ना नामकरण की तारीख फाइनल हो रही है हमारे में, या तो 13वें दिन नामकरण होता है या होता है 21वें दिन, तो 13वां दिन तो ऐसा हो जाएगा कि बड़ा नजदीक आ गया 13वां दिन, तो अभी इन्होंने इधर से भी तैयारी करके जाना था, तो इसलिए अभी सोच रहे हैं कि 21 को करें, क्योंकि अभी भैया भाभी भी घर में नहीं पहुंचे हैं, तो ये एक चल रहा है, अभी इतने दिनों से इसका नाम नहीं रखा हुआ कोई, तो मैं सोच रहा हूँ कि छोटा मोटा नाम निकनेम तो हम कुछ सोचें, और आप ज़रूर कमेंट पे बताएं, जो कि ऑफिशियल नाम ना हो सिर्फ निकनेम हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो हमको उनमें से कोई एक नाम सेलेक्ट करके इसका नाम निकनेम ज़रूर रखेंगे प्यार से, और वो यूज़ किया करेंगे फिर। खाना खाया जा रहा है, दाल चावल और साथ में ये कौन सी सब्जी है, घिया की सब्जी बनी है, लौकी, हम तो बाहर पिज्जा वगैरह खा के आ गए, पेट भरे पड़े हैं, नहीं दिल ही नहीं, जब पूरा पेट भरा पड़ा क्या ही स्वाद लगेगा, है ना, और देखो नाना जी टीवी देख रहे हैं, काकी हमारी अकेली बैठी है, ठीक है दोस्तों ये वीडियो ये ब्लॉग यहीं तक का था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, और अगला ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, ज़रूर देखना, जय हिंद।